सर को ढके तो इतनी पिने लगा लें कि कहीं से स्कार्फ ही ना ये परपस नहीं आपको अपने आप को चेक करना है कि आप कितने हम्बल हैं कितने डाउन टू अर्थ हैं कितने खाकसार हैं तो आप ये देखें आपका रवैया अपने नौकरों के साथ कैसा है हम बतौर मुसलमान करेंगे अल्लाह चाहता है अगर मुसलमान नहीं है तो हम इस अल्लाह चाहता है को निकाल लेंगे आप खुद स्कॉलर हैं पब्लिक स्पीकर हैं

An intellectual and spiritual personality. She attracts the youth not only in Pakistan but all over the world. She had been head of an international college named Qasar College for Women Islamabad for almost 10 years. She is also a founder of Hybro International, which connects different communities together. She is a representative of Hadi TV. Let's welcome her. She is one and only. Sister Zakia Najafi, how are you today? Thank you so much, Salaam Alaikum. Assalam, thank you for coming to our podcast today. Salaamu it's my Salaamu pleasure, Salaamu. pleasure to have you here. Same here, Salaam you point of view, mein. what is life? Life in between? अल्लाह ना शुरू से आखिर Allahी, Allahी हर तरफ हाँ क्योंकि अल्लाह ने ही हमें बाकी सारे रास्ते दिए हैं ना जी। अगर हम अल्लाह के सिवा क्या है जी हमारे पास कुछ भी नहीं है किताब भी है तो उसी की है रसूल भी है तो उसी का है और अगर वली भी हैं तो के ही हैं नमतें भी हैं तो उसी से ही है और पलट कर भी जाना है तो उसी के पास सब कुछ उसी वहीं से शुरू है वहीं पर ख़त्म है और बीच में भी वही है बिल्कुल हकीकत है कि खुदा ही खुदा है जब कुछ ना था तो भी खुदा था जब कुछ नहीं होगा तो भी अल्लाह ही होगा और इन बिटवीन भी अल्लाह ही अल्लाह है ये जो हमारी फिर खलकत इन बिटवीन हुई है तो ये हमारी खलकत जो है ये क्या है ये उस ना होने से हुई है और होने से हुई है जिसकी एग्ज़िटेंस थी जिस नूर की इलाही नूर की हमारी एग्जिस्टेंस जो है उसी नूर से निकली हुई है हदीस कुदसी है फ़रमाया कि मैं एक अल्लाह ने फरमाया कि मैं एक छुपा हुआ ख़ज़ाना था मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ इसलिए उसने ज़मीन और आसमान इसलिए उसने जन्नत और जहन्नम और इसलिए अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और जब इंसान की ख़िलकत हुई तो उसके लिए अल्लाह ने एक मकसद रखा क़ुरान ने कहा कि हमने पैदा नहीं किया जिनों को सिवाए इबादत के लिए अब इबादत अल्लाह ने क्यों करवानी है मैं और आप इबादत क्यों करते हैं सिर्फ इसलिए कि हम अपने आप को उस परफेक्शन उस तक पहुंचा सकें जिसके अंदर खुदाई सिफात ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आती हूँ तो इंसान की इंतहा इंसान का कमाल इंसान की आप कहें कि जो एक मराज है वो यही है कि वो अपने अंदर खुदा की जितनी सफात हैं वो तो कामिल है ना उसमें तो कोई आ, कमी बेशी नहीं है लेकिन हम उसका जितना अक्स अपने अंदर रख सकते हैं तो खल करने का उसका हमें मकसद ये था कि हम जब अपने अंदर उन खुदाई सिफात को रखें तो हम पहचाने उस खजाने को आ, जो हमारी इस जिसम इस पैकर में इस खाक में नहीं पहचाना जा सकता था हम अगर कहते हैं कि खुदा को पहचानना और खुदा को हम पहचानते हैं उसके नामों की सफ़ात से और अगर उन उनफा को हम अपने अंदर एक्वायर करना शुरू कर दें तो हम खुदा की सफात को पहचानने लगते हैं या हम उसके उसकेबत हासिल करना शुरू कर देते हैं ये मैं समझाऊँ आपकी बात से उनको अपनाना शुरू कर देते हैं अल्लाह की हैं। को एटलीस्ट शुरू तो कर देते हैं ना मिसाल के तौर पे अल्लाह की वह सत्तारोला है वो दूसरों के ऐब छुपाती है और अगर हम ऐब छुपाना शुरू कर दें तो हमने अल्लाह की एक सिफत अपने अंदर हासिल कर ऐसा ही है तो अगर अल्लाह की जितनी भी सफात हैं और उन तमाम को हमने अपने बंदा है क्योंकि वो मोहताज है एक है वो उसको लाख इबादत समझ कर उसके सामने अपनी सारी कोशिशों को रखता है बंदगी वो है न जो हम तशहद में कहते हैं अशहदो अन्ना मुहम्मदन, अब वो बंदे हैं अल्लाह के और हो और फिर अल्लाह के फिर मैं आपकी पहली चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करूँ जी प्लीज <coughs> देखिए आप कह रहे हैं ना कि हम किस तरह से आ, बहुत प्यारी हदीस है तारीख़ी वाक़ा कहें कि इमाम हसन आसमाम के पास एक शख्स आया और आपने अपना सारा माल उसको दे दिया तो किसी ने आपसे सवाल किया और कहा कि मौला आपने बहुत ज़्यादा दे दिया इसने तो इतना आपसे मांगा भी नहीं था तो आप इतना क्यों देते हैं तो आपने फरमाया क्योंकि मुझे मेरे पालने वाले ने आदत ऐसी डाली है कि मैं उससे जब मांगता हूँ तो वो मेरी तवान या मेरी आ, मेरी जो झोली जो जो है उसके मुताबिक नहीं देता वो अपने मुताबिक देता है तो वो खुदा क्योंकि मुझे मेरी हैसियत देख कर नहीं देता अपने शायन निशान अदा करता है तो बतौर साइल मैं हया मैं अल्लाह के यहाँ साइल हूँ मैं हया करता हूँ शर्माता हूँ कि जब मेरे पास कोई साइल आए तो मैं उसको वैसा दूँ जैसा साइल की हैसियत है तो मैं भी जब देता हूँ तो ऐसे देता हूँ जो मेरी हैसियत है हाँ और फिर उसके बाद आपने फरमाया कि मुझे शर्म आती है एक साइल होते हुए मांगने वाला होते हुए किसी दूसरे साइल को रद्द करूँ वो भी मांगने वाला है मुझसे मैं भी मांगने वाला हूँ उससे वा। तो ये सिफ़ात है ना वो ख़ुदा हम मांगने वाले हैं तो वो क्या है मोती अता करने वाला तो इमाम क्या फरमा रहे हैं कि मैं बतौर साइल उससे लेकिन वो अता करने वाला जैसा मुझे अता करता है वैसे ही फिर मैं अगले को अता करता हूँ तो ये एक सिफत है अल्लाह की जिससे आप अपने अंदर परफेक्शन को या इरतका के सफ़र को आसान बना सकते हैं ना बिल्कुल बेहतरीन <coughs> तो ये इमाम हसन ने जब ये बात बोली कि ये आदत मेरे अंदर अल्लाह ने रखी हुई है तो क्या ये आदत उन्होंने डेवलप की थी या उनके अंदर बर्थ थी इमाम इमाम तो उनमें तो थी ये सिफात इंसान में ये इन्... सिफात नहीं होगी जो आम इंसान है जो मासूम देखिए इमाम तो बाई चांस इमाम नहीं होता ना सही है वो एक अलग आ, वो है अलबत् अगर इस बात को हम ऐसे रखें मेरे लिए आपके लिए आ, जो मासूम नहीं है किसी भी गुनाह से पाक नहीं है उसके अंदर ख़ता की गुंजाइश है तो ऑबियस बात है हमें बहुत सारी चीज़ें डेवलप करनी पड़ती हैं अपने लिए और बतौर पेरेंट आप भी पेरेंट हैं मैं भी पेरेंट हूँ हमें अपने बच्चों को सिखानी पड़ती है जी उनके सामने बता कर नहीं बोल कर नहीं कुछ चीज़ें करके दिखानी होती हैं इसी में अगर हम मिसाल लें तो इमाम हसन आसम ने यकीनी सी बातें देखा है माँ ने ना शादी का जोड़ा रखा ना गले का हार रखा ना घर के बर्तन रखे ना अपनी सर की चादर रखी सब कुछ किस लिए दिया फला शख्स को भूख लग रही थी आप सोचें ना हम किसी की भूख के लिए कभी भी एक ख़ातून अपना जेवर नहीं देती अपनी शादी का जोड़ा नहीं देती किसी की भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसे नहीं बताती कि किसका फ़र्ज़ है तुम्हारी ज़रूरत पूरी की जाए तो जिसने ऐसी एग्ज़ाम्पल जिन हस्तियों ने देखी हुई हैं ऑब्वियस ही बात है हमारे पास बीइंग पेरेंट में बात कर रही हूँ कि हमारे पास यहाँ एक ये यह भी पहलू आता है कि उनके पास एग्ज़ैम्पल मौजूद थी इमाम हसन के पास तो हमें भी अगर अपने हमारे बच्चे हम लोग खुद अपने अंदर आदत डेवलप ना कर सके तो हमें तरबियत के लिए राइट right. तो हमें हमारे लिए ज़रूरी है कि जो सफ़ात हम वहाँ पर देख रहे हैं मासूमिन के अंदर तो सफात को हम अपनी आदत बनाने की कोशिश करें वह जब भी आदत बनेगी जब हम उस चीज़ को मुसलसल प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल क्योंकि कोई भी हैबिट जब डिवेलप होती है वो दो दिन तीन दिन चार दिन हफ्ते में नहीं होती आज के वक्त में साइंटिफिकली ये बात प्रूव हुई हुई है कि आप अपनी पुरानी आदत को अनलर्न कर सकते हैं भुला सकते हैं और नई आदत बना सकते हैं तो ही। तो पुरानी आदत को ख़त्म करते जाएं और नई आदत को बनाने के लिए 21 से 30 दिन के अंदर एक ही चीज़ की प्रैक्टिस करें तो कोई भी आदत चेंज हो जाती है अगर हम ये बात आपसे पूछें कि आप कहती हैं कि हमको इबादत के लिए पैदा किया गया और ख़ुदा को पहचानने के लिए पैदा किया गया क्या यही पर्पज़ है हमारी एग्जिस्टेंस का पूरी जितनी भी इंसानियत है क्या एग्जिस्टेंस का इंडिविजुअल की मैं बात करूँ या एज अ कॉम की सिर्फ यही पर्पज़ है हमारा या इसके अलावा भी कुछ और है हमारा पर्पज़ जो है ना अगर आप कहें इबादत हाँ तो पर्पज़ ये है कि हम अच्छी सिफात का मजमू बने आप ए, एक थोड़ी देर के लिए इसमें से अल्लाह निकाल दें ओके बात को समझने के लिए सिर्फ पर्पज़ को जानने के लिए कि हम बतौर मुसलमान कहेंगे अल्लाह चाहता है अगर मुसलमान नहीं है तो हम इस अल्लाह चाहता है को निकाल लेंगे कि हम अच्छी सिफात का मजमु बने हमारे अंदर बहुत सारी अच्छी आदात हों हमारे अंदर अदालत हो है ना हमारे अंदर हक कोई हो हम अमीन हो परपज़ हमारी खिलकत का ये है ये नहीं है कि हम अपने माथे पे निशान बना लें सर को ढके तो इतनी पिने लगा लें कि कहीं से स्कार फी लेना ये पर्पज़ नहीं है अच्छी आदत पर्पज़ है ना कि आप जो है वो सजदा करें तो उससे आपके अंदर आजज़ी पैदा हो अपने से ताकतवर के सामने नहीं अपने से कमज़ोर के सामने अगर आप सर पर चादर रखें तो उसका मतलब ये है कि आप अपने आप को गुनाहों से और फहश चीज़ों से दूर रखें ना ये कि आपने काला लपेट लिया या कोई भी फैब्रिक आपके आस पास लिपटा हुआ है लेकिन आप आंखों से सब कुछ कर रहे हैं ठीक hmm. है तो सिफात को डेवलप करना पर्पज़ है सो ब्यूटिफुल so इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि पहले अगर हम ये समझना शुरू कर दें कि सिफात ते खुदा वंदी क्या है और उन सिफात को लेकर वन बाय वन एक्वायर करना शुरू कर दें और एक पूरा पैकेज बन जाएँ जो आपने कहा ना कि एक कंप्लीट पैकेज होना हर hmm. अच्छी hmm. सिफात का

इस बड़ा गैर इस्लाम नहीं, 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 नहीं। है ना? <coughs> बड़ा एक खूबसूरत वाक़ है जो मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में शेयर करूँ आपके साथ भी और ऑडियंस के साथ भी कुछ अर्से पहले मेरा एक शोरूम होता था लेकिन पाकिस्तान में नहीं था वो न्यूज़ीलैंड में था गाड़ियों का शोरूम वहाँ पे एक ख़ातून आई गाड़ी ख़रीदने के लिए और मैंने उनको गाड़ी सेल की जब उन्होंने गाड़ी ले ली तो मैंने उनसे पूछा चाय या कॉफ़ी उन्होंने कहा मुझे नहीं पीनी नो no प्रॉब्लम आधे घंटे का प्रोसेस था उनका अप्लाई करना था व्हाट्स एवर फाइनेंस फिर पूछा उनसे चाय या कॉफ़ी उन्होंने फिर रिजेक्ट किया जब वो जाने लगी तो मैंने उनसे आखिर में पूछा कि यूजुअली लोग पी लेते हैं चाय या कॉफ़ी आपने कम्प्लीटली डिनाई क्यों किया तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया मेरे लिए बिल्कुल तो बिल्कुल कभी सोच भी नहीं सकता था उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक नर्स हूँ और मैं एक ओल्ड एज लेडी अस्सी साल की लेडी के पास जाती हूँ उसकी खिदमत के लिए ये मेरी ड्यूटी है क्योंकि वो अकेली रहती है और उसके पास कोई इनकम का ज़रिया नहीं है गवर्नमेंट उसको बहुत थोड़े पैसे देती है कि उसका गुजारा हो जाए वो जीती रहे तो अगर मैं तुम्हारे पास से चाय या कॉफ़ी पी कर वहाँ पर जाती हूँ तो मुझे हो सकता है टॉयलेट यूज़ करना पड़े तो जो मैं फ्लश करके जो पानी बहेगा उसका जो बिल आएगा वो औरत एफोर्ड नहीं कर सकती तो मैं वो भी यूज़ नहीं करना चाहती इसलिए मैं कुछ खाए पिए बगैर जाती हूँ इस सिफ़त को आप क्या कहेंगी ये क्या सिफत है ये तो मुझे नहीं पता वो ईमान

इस तरह हमें अच्छा मुसलमान बनाए अल्लाह हमें अच्छा मुसलमान बनाए हमारे पास भी बड़ी वैल्यूज़ हैं और बहुत इंफॉर्मेशन है नॉलेज है अगर हम हासिल हुँ, करके हुँ, एक्वायर हुँ, करके हुँ, अमल हुँ, करना शुरू करें हुँ, तो बॉटम लाइन इस अमल करें तो हमें आज अपना पर्पस तो क्लियर हो गया exactly. कि हमें एक बेहतरीन इंसान बनना है किसी पर भी दीन पर हो लेकिन जब यह बात आती है कभी कभी हम कहते हैं कि क्योंकि ये नॉन मुस्लिम्स हैं क्योंकि इन्होंने अच्छा अमल किया है तो इनके लिए तो जहन्नम ही जहन्नम है ये कुछ भी कर लें क्योंकि एक तो ये इस्लाम पर नहीं है, है। दूसरा ये वलायत पर नहीं है तो हम इनके जितने भी अमाल हैं अल्लाह उनको इस दुनिया में ही दे देगा बाकी फिर वो फ़ारग़ लोग हैं इस बारे में आप क्या कहती हैं अच्छा ये ख्याल अगर जहन में आ रहा है ना किसी के भी बारे में जिसको आपने खुलेआम गुनाह करते हुए देखा है और आपके जहन में ये ख्याल ये जानने है तो अपने ईमान के लिए डरें दूसरे के लिए नहीं यानी ये हमारा राइट नहीं है किसी को जज करके कहना ये जहन्नुम ही अच्छा है वो नॉन मुस्लिम्स भी क्यों ना कोई मोमिन शक्ल पे नहीं लिखा हम्म और कोई काफिर आपको नहीं पता लमहाए आखिर वो मोमिन हो जाए और हम काफिर हो जाएं तो ये ख्याल आ रहा है ना तो इसका मतलब ये है कि मेरा ईमान खतरे में अगर मैं सोच रही हूं कि काशिफ तो जहन्नुम में जाएगा हां आई होप आप सोच नहीं रही हैंस हाँ तो इसका मतलब यह है कि मेरा ईमान जकिया का ईमान खतरे True. आप समझ रहे हैं? तो ये ख्याल आना ही जो है ना ये आपके लिए अलार्म है इसीलिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा तख्ताम जो तो है क्योंकि exactly. दूसरा ये कि अगर किसी के अंदर कोई ऐसी चीज़ देख ली है तो उसके बाद करना क्या चाहिए हदीस है मासूम की अगर किसी गुनाहगार को देखो तो उससे इबरत हासिल करो यानी ये सोचो कि मैंने ये गुनाह नहीं करना आपका काम ये नहीं है कि आप गुनाहगार की आखिरत या आकबत के बारे में सोचें और उससे आप अपनी आकेबत दुरुस्त करें ना उस गुनाह की तकरार अदबों से जैसे अदब सीखा जाता है जी। दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़ ये कि कोई भी बंदा बशर ऐसा नहीं है कि जिसको खुदा की अदालत ना मिले हर चीज हर मखलूक को फमईम राय बराबर शर या रा देखेगा वो यानी अल्लाह जो उसकी अदालत है उसे इतना एविडेंट करेगा कि हर कोई देखेगा उसको यकीन आ जाएगा ना ये कि उसको फैसला सुना दिया जाएगा और उसको होगा कि अब मैं क्या करूँ ना मुझे तो पता ही नहीं क्या वह नहीं खुदा दिखाएगा जिसके बराबर जिसके पास रत्ती बराबर खैर व शर है अल्लाह दिखाएगा कैसे अल्लाह ने क़यामत वाले दिन अदालत को ना सब में रखना है अच्छे और बुरे दोनों में अलबत् कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में फैसला जैसे अभी आपने कहा कि इतनी अच्छी खातून है जी। तो क्या में जाएंगी अल्लाह जानता है कुछ लोग हैं जो इस दुनिया में आते ही नहीं हैं या कुछ लम्हे के लिए आते हैं माँ के पेट में मर जाते हैं साहिब रूह तो थे ना वो जी। उनकी भी तो आक़िबत का फैसला होगा ना तो उनका क्या होगा कुछ दीवाने होते हैं मजनून होते हैं कुछ होते हैं जो ज़िंदगी का बहुत लंबा पीरियड बीमारी में गुजार देते हैं तो इस तरह के जो सिलसिले हैं उनके लिए अल्लाह ने अनफ़ाल को रखा है अनफ़ाल जहाँ पर खुदा वंद करीम उनकी जन्नत और जहनम का फैसला करेगा मुख्तलिफ रवायात हैं जिसमें एक रिवायत में ये मिलता है कि अल्लाह उनमें से कुछ को जन्नति और कुछ को जहनमी करार देगा और उनको वहाँ फैसला कर दिया जाएगा और एक रवायत में ये भी है कि वो उस पर एतराज करेंगे जो जन्नती हैं और जो जान्नमी है कि है वो वहाँ पे भी अल्लाह से एतराज करेंगे हाँ, मरने के बाद भी इनफाल में हाँ, जहनम के दहाने पर भी खड़े लोग एतराज करेंगे खुदा सुनेगा वाह हाँ, अल्लाह की अदालत जो है ना वाशकार होगीबत वाले दिन हम अपने अमाल के हाथों मजबूर होंगे जो हम चेंज नहीं कर सकते नहीं कर सकेंगे ना वो हमें मजबूर कर देंगे अल्लाह की कुदरत हमें नहीं मजबूर करेगी अल्लाह की अदालत करेगी ब्यूटीफुल हाँ ऐसा नहीं कि अल्लाह कहेगा बस आज मेरी ताकत है तो खत्म उसकी अदालत इतनी एविडेंट होगी कि कोई उसके सामने खड़ा ही नहीं हो सकेगा और कोई जहाँ भी पुकारेगा और कहेगा ये मेरे साथ गलत हो रहा है अल्लाह वहाँ सब जाहिर करेगा तो सिर्फ अनफाल नहीं हर जगह तो वहाँ पर ये अल्लाह से एतराज़ करेंगे और कहेंगे परवरदगार तूने हमें मौका ना दिया और हमारे लिए फ़ैसला कर लिया और उनको अच्छे में रखा इन्हें जन्नत में रखा तो उस वक्त खुदा उन्हें उधर मौक़े देगा एक रिवायत ये भी मिलती है कि वहाँ पर लोगों के साथ लोग अल्लाह से सवाल करेंगे और ख़ुदा उन्हें मुजज़े दिखाएगा अपना एजाज़ दिखाएगा कि मैं किस तरह से तुम्हारा मा और दुनिया और आखिरत को पैदा करने वाला और मशर को बपा करने वाला हूँ और वो तब भी नहीं मानेंगे तब भी नहीं मानेंगे यहाँ तक कि वो अल्लाह का इनकार करते 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 जिस तरह अल्लाह ने जो ग्रुप्स बनाए थे कैटेगराइज किया था एट द एंड वही हो जाएगा और फिर वो जन्नत और जहनम की तरफ जाएंगे तो ये फ़ैसला अल्लाह ने करना है कि कौन अच्छा है <coughs> कौन जन्नती है सिर्फ एक हस्ती हैं मखलूक़ में जिसे जन्नत और जहनम तकसीम करने का अल्लाह ने इख्तीर दिया है वो भी इस दुनिया में नहीं आखिरत में अमीर अमीरमिन जिन्हें कसीम उलन्नति कहा गया है मैं और आप नहीं हैं हम में से किसी को जन्नत जहनम तकसीम करने की इजाज़त नहीं है तो हम

आपने ये बात जो बोली कि इनफाल में इन लोगों को रखा जाएगा और उसके बावजूद भी जब अल्लाह ताला कहेगा कि नहीं तुम नहीं जाओगे जन्नत में तुम जाओ में जाओगे वो फिर भी बहस करेंगे ज़िद करेंगे वो कौन सा नेचर उनके अंदर होगा कि उस मौके पे भी अल्लाह ताला से आर्गुमेंट कर रहे होंगे वो वो क्या चीज़ अकल। है अक्ल लेकिन उस वक्त अक्ल काम कर रही होगी मखलूक है ना और सबसे अहम चीज़ ये है ना कि आप अगर अपने आप को अल्लाह की ज़ात से आज़ाद करके अपने लिए अपनी ही ज़ात को काफ़ी समझना शुरू करें तो फिर तो मैंने किया है जैसे आप तो तकबुर कहें <coughs> शैतान ने भी यही किया था ना बिल्कुल तो उस सिफत पर आ जाएं तो फिर तो सब खराब होना शुरू हो जाता है फिर नमाज़ें भी सजदे होते हैं सब कुछ होता है चक्कर भी होते हैं भूख भी होती है यानी हज भी होता है और रोज़ा भी होता है लेकिन जब आप समझ रहे हैं आप कर रहे हैं कुर्बतन इसीलिए अल्लाह ने कहा ना मैं नीयत की जजा देता हूँ आप अला नहीं हैं फिर तो आप आपने लिए हैं तो फिर अल्लाह वो हदीस है खुदा बंद करीम आ, उन लोगों को जो कुर्बतन अल्लाह नहीं करते थे दुनिया में काम नीयत अल्लाह के लिए नहीं होती थी अपने लिए इसके लिए उसके लिए तो अल्लाह उनसे कहेगा जिनके लिए काम किया था उनसे जजा मांग लो मैंने तुम्हें आज़ाद किया तो अपने खुदाओं को पुकारो जिनको तुमने हाँ, बनाया हुआ था हाँ, अच्छा शैतान हम लोगों को इंसानों को बहका देता है शैतान को इब्लीस से शैतान बनने में किसने बहकाया शैतान ने वो कौन से शैतान था कुबैर अच्छा, भी शैतान था नहीं हदीस कुछ इस तरह से है कि सात आसमान हम आपने सुना होगा सात आसमान थे और ये जिन्न था जमीन पे बंदगी करता रहा यहाँ तक के जो चौथे नंबर का आसमान है जहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है बैतुल मामूर बैतुल मैं आपको मामूर। प्योर इस्लामिक को बता वो बता रही हूँ वर्जन उसमें एक जगह है जो खान काबा जो ज़मीन पर है बिल्कुल काबा बैतुल मामूर का रेप्लिका है ठीक है तो बैतुल मामूर पर एक मंबर था जिस पर शैतान बैठा करता था और वहाँ से वो वाज करता था नसीहत करता था फ़रिश्तों को और उन्हें सलीक़ब बंदगी सिखाता था और उसका वो वाज उसका वो लेक्चर इस हद तक मलाइका की बजम में मरूफ था कि सारे फ़रिश्ते इस हसरत में रहते थे कि कब हमें उसका ये लेक्चर सुनने को मिलेगा एक रिवायत ये भी है कि वो लेक्चर देते हुए उसके हाथ से तस्वीर गिरी तो सब मलग दौड़े कि हम इसके हाथ से ये तस्वीर लें और इसको दें गरीवी तस्वीर लेकर इसको दें इस हद तक तो कहते हैं कि एक दफ़ा मलक मलाइका जो हैं वो जन्नत के तवाफ़ के लिए गए और जब वापस आए तो उन्होंने इबलीस को बताया शैतान को बताया अब हम शैतान ही जानते उन्हें तो उसको बताया और उससे कहा कि हमने जन्नत आ, का जब नज़ारा देखा तो हमने देखा कि सबको इजन मिला जन्नत में दाखिल होने का सिवाय अल्लाह की एक मखलूक के जिसने अल्लाह की नाफ़रमानी की थी अल्लाह की नाफ़रमानी करेगा और उस वजह से खुदा उसे अपनी जन्नत में दाखिल नहीं करेगा आप हमारे लिए दुआ करें कि हम वो नाफरमान ना हों तो शैतान ने सोचा बेचारे फरिश्ते हाँ हा? ये तो डर गए ये सोच के कि इनसे ना और मैं मैं तो अल्लाह का सबसे बड़ा फरमा बरदार हूँ उसने दुआ की सबके लिए और अपने आप को उस दुआ से इस दिया अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की और वही फरमान हुआ उसके अलावा सारे फरमा बरदार हुए और वही है जो शैतान जन्नत में दाखिल नहीं होगा अब इसको आप उस नाफरमानी के अंदर किसी भी जुमरे पर रखें आप जो बुनियाद देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं जब आजिज ना हो ना है ना अपने से कमजोर के सामने हम आजिज होते हैं अपने से ज्यादा सब होते हैं बिल्ग ना बिल्ग उस्ताद के सामने आजजी कमाल नहीं है वाले के सामने आजजी कमाल नहीं है लेकिन जो आपका नौकर है ना उसके साथ अगर आप हम्बल हैं तो आपने अच्छा किया तो उसके अंदर ये चीज़ नहीं थी बहुत सारे इसमें आप एस्पेक्ट्स निकाल सकते हैं ये सबसे बड़ा एस्पेक्ट तो आपने जो अभी यही बताया इतना ज़रूरी है <coughs> अगर आपको अपने आप को चेक करना है कि आप कितने हम्बल हैं कितने डाउन टू अर्थ हैं कितने खाकसार हैं तो आप ये देखें आपका रवैया अपने नौकरों के साथ कैसा है अगर आप रोड पर जाए जो भी कमज़ोर एग्जैक्टली exactly, जो आपसे नीचे आपका मात है तो उस पर आपका रवैया क्या है वहाँ से आप जज कर लें कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आपको अपनी ताकत पे अपनी चीज़ों पर इतना नाज है और दूसरी चीज़ ये कि हम ये कह सकते हैं कि जब दुआ की जाए दूसरों के लिए जरूर करें लेकिन अपने आप को भी शामिल जरूर करें उसके हम Otherwise, exactly आदत है ये तो एक तकिया कलाम है अल्लाह उसे दे। अल्लाह मुझे, मुझे, अल्ला मुझे भी हिदायत दे है ना? हमें भी दे। तो ये चीज़ जो शैतान कहाँ से आप कहें बहका? एक दिन में नहीं बहका ना ऐसा नहीं है उस महफिल में आने से पहले वो बहुत ही पाक ये चीजें डेवलप होती हैं जो भी नाम दें जो भी नाम हाँ, थे एनी हमारे पास उसका एक पूरा बैकग्राउंड है कि अल्लाह ने उसको उसकी इबादत के बदल बहुत कुछ दिया हमें भी देता है ना अल्लाह ने उसे नवाजा था हमें भी नवाजता है और उस नवाजिश के नतीजे में उसने अपने आप को अल्लाह के और करीब किया या फिर उसने अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा जाना जी बिल्कुल ऐसी एक्सक्लूसिव तो अपने आप को देखना शुरू कर दिया था और उसी में ही रहे ये चीज़ें तो आ, हम लोग क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में होते हैं तो ये हमें बहुत फेस करनी पड़ती है शैतान बार बार नॉक करता है कि अब तो आप बहुत बड़ी हो गई है जी। ना इतने लोग खड़े होते हैं ये होता है वो होता है तो फिर वो शैतान बार बार आता है तो कभी आप बहके उसके लिए कोई एक मोमेंट नहीं होता पीछे बैक ऑफ माइंड बहुत सारी छोटी चुट छोटी चीज़ें लोगों के जेस्टर आप उनको एडमायर करना या उसको अपने दिल में जगह देना शुरू कर देते हैं और फिर कहीं जाकर वो किसी एक जगह आप खुद अनकवर हो जाते हैं है ना आप खुद स्कॉलर हैं पब्लिक स्पीकर हैं वेल नोन हैं फेमस लोग जानते हैं आपको शैतान का हमला आप पे बड़ा ज़बरदस्त होता होगा कौन से पॉइंट्स से आप स्टार्ट करती हैं जब आप कहती हैं कि अगर ये हुआ तो मैं यहीं पे ब्लॉक कर दूंगी शैतान को वेयर डू यू आइडेंटिफाई फॉर फॉर योर लाइफ इन जनरल मजलिस में जाती हैं बाहर जाती हैं लोग देखते हैं ओह लुक गोइंग आपके पास आएंगे आपका हाथ पकड़ लेंगे चूमेंगे शैतान तो सुबह दोपहर शाम रात वो तो हर वक्त साथ है हमारे हां गुड नाइट वही कहता है गुड नाइट <laughs> हम सबको आखिरी चीज क्योंकि हजरत फोन अलैहिस्सलाम पे, पे शैतान ने डेरा डाला हुआ है यू you know? नो तो सारे इंसान मुझे तो सबसे ज्यादा डर इस बात से लगता है कि लोग हमें जो चढ़ा के देखते हैं ना तो मैं जल्लों से मिलती हूँ मैं उन्हें सबसे पहले एक ही बात महसूस कराती हूं कि जैसी आप हैं वैसी मैं हूं यू नो वी आर नॉर्मल और जनरल लाइफ में जैसे सबको होता है वैसे ही है अलबत् मजालस के अतबार से बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है और जैसे जैसे मजालस का कल्चर चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे हमें अपने रवैये चेंज करने के हमें अपनी जो जैसे मिसाल के तौर तो पे आप मुझसे अगर मजलिस मुझस का टाइम मांगें या मुझे पिक करने आए मेरे साथ आप थोड़ी देर ट्रैवल करें या वहाँ जा के कितनी देर रहना है क्या एक टाइम था जब मैं कहती थी कि मेरे पास टाइम नहीं है और अब मुझे कहना पड़ता है कि नहीं मेरे पास टाइम है ऐसा नहीं यानी मुझे इनडायरेक्टली ये मैसेज देना होता है कि इतना प्रोटोकॉल देकर क्यों दिमाग ख़राब कर देते हैं हम जैसे लोगों का राइट right. कि आप तो बस थोड़ा सा टाइम दे दें तो मेहरबानी हम आप लोगों के लिए आएँ और हमारे अंदर कुछ तो इतना वो होना चाहिए कि हम आपके साथ जो चाहते हैं मेंबर के अलावा जो तकरीर हम घर से रट के आए उसके अलावा भी कुछ बातचीत कर सकें करनी चाहिए, करनी चाहिए क्योंकि <coughs> आ, मुझे ना मेडल पढ़ते हुए बीस साल हो रहे हैं और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है स्पेशली मेरे बच्चे जब बड़े हुए के ऑफ मेंबर तबलीग ज्यादा होती है hmm. क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ द स्पेशली मेरी बेटी और वो हमेशा मुझे बताती है कि अच्छा आपने ये बात तो की और उसके बाद ऐसे ऐसा हुआ और इसने ये नोटिस किया उसने वो तो मुझे होता था कि उसके बाद वी नीड अ स्मॉल टॉक स्पेशली विद द यूथ और द वर्किंग लेडीज़ जो ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं हमारे माशरे में जो इन बातों को समझते हैं तो फिर वो जो प्रोटोकॉल और आपके सामने है, कैसा हो गया है कल्चर तो फिर लगता है कि अब ये मुझे इनिशिएट करना है अब ये मुझे कहना है दूसरी चीज़ प्रोटोकॉल को अवॉइड करने के बाद वो है फाइनेंसिस uh, जिस तरह से कमर्शलाइज किया जा रहा है अनफॉर्चुनेटली uh, मेरी अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस जो है वो अच्छी है और uh, उस पर मैं बहुत एक स्ट्रॉन्ग विज़न रखती हूँ कि हमें सोशल मीडिया पे बहुत स्ट्रॉन्गली और बहुत कॉन्फिडेंटली नज़र आना चाहिए विथ आर आइडेंटिटी लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग आ, कोई आ, मैं कैसे कोई फैंसी कैरेक्टर बन जाए hmm. ऐसा hmm. कि उसके अंदर एक सेलिब्रिटी इफेक्ट वो ज्यादा आ रहा हो रादर देन स्परिचुअल तो मिसाल के तौर पर मैं अगर ये चीज़ें डालना कि मैंने लाखों का मजमा था जी मुझे ना ये बातें समझ ही नहीं आती बात बात के बाद ये हाँ। बोले वो दूर दूर तक लोग बैठे हैं अब ये आप लोगों ने सुने यूजुअली सुने ऐसे हाँ? जुमले हाँ। तो मैं उर्दू मजालिस जो हैं वो ज़रा कम सुनती हूँ हाँ वजूहत में से किए भी बहुत कम <coughs> आ, आ, उर्दू स्पीकर हैं जिन्हें मैं सुनती हूँ बहरहाल कमर्शलाइज करें और जैसे मिसाल के तौर पर मेरा भी यूट्यूब है अगर मेरी मजलिस कोई और चला देगा तो मेरी मोनेटाइजेशन को कोई फर्क नहीं पड़ना यू you नो know? कितने थोड़े से आप व्यूज़ लेने के लिए दूसरों को आप स्ट्राइक मारना शुरू कर दें तो ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है hmm. अभी तो बहुत सौ को समझ में है क्योंकि मैं कभी भी अच्छा आप मेरी वीडियो रिकॉर्ड करके दूसरे के चैनल को स्ट्राइक करेंगे तो मुझे बुरा लगेगा hmm. क्योंकि मैंने आपसे पैसे नहीं लिए क्यों कमर्शलाइज कर रहे हो जी सबसे सस्ता काम जो है ना hmm. आज भी तबलीग होना चाहिए hmm. कोई भी कर सके सबसे ज्यादा अप्रोचेबल एक मुबलिक को होना चाहिए वी आर कम्यूनिटी लीडर्स वी आर पब्लिक फिगर और नॉट फॉर देयर मटीरियलिस्टिक नीड्स फॉर देयर स्परिचुअल नीड्स यू नो तो उस चीज पर आकर ना अच्छा जीना तो मैंने इसी जमाने में ही है ना hmm. तो फिर शैतान आ जाता है नो hmm. you know? कि देखो खातीन में तो आपके पास मैदान खाली है तो थोड़ा सा तो बनता है ना तो यहाँ पे फिर मुझे शैतान को और मेरे मेरे बच्चे इसमें मेरे बड़े अच्छे काउंसलर हैं और मेरे आ, मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं मैं बहुत ग्रीडी और जो ज़रा शो ऑफ टाइप लोगों से नहीं दोस्ती करती उसकी वजह यह कि वो मुझे थोड़ा खींच के रखते हैं कि उनको जब लगता है ना कि ये बहुत खानुम बन रही हैं तो वो मुझे घर के धो देते हैं <laughs> और वो मुझे एकदम नॉर्मल कर देते हैं कि आप जो हैं ना आप वही फ्रेंड्स हैं जो आते एग्जैक्टली क्लोज फ्रेंड्स जो आपको समझते हैं समझ, उन्हें पता है कि इसके अंदर नहीं है कभी दिमाग खराब हो जाता है या होने लगता है या कभी कोई मीटिंग होती है इस तरह की जहाँ कुछ ऐसा हो तो मैं बताती तो हूँ सब कुछ सबको जो मेरे क्लोज हैं या मेरे बच्चे कभी कुछ चीज़ों को विटनेस करते हैं तो वो मुझे वो करते हैं जैसे मैं कभी कुछ कहूँ मुझे ऐसा करना चाहे तो कहते हैं हाँ माँ बाप मा है इस तरह नहीं करें ये लोग करते हैं तो बुरा लगता है यू you नो know? तो इसलिए उस हवाले से फिर आई हैव गुड यू नो गाइडेंस क्लोज सर्कल में कभी कुछ लोग भी आपको बड़ी अच्छी बातें कर जाते हैं ना लेकिन आप ख़ुद भी रिकगनाइज़ करती हैं शैतान को कि कब आके वो आपको विस्पर करता है कान में जैसे आपने बताया हाँ, थोड़ा सा तो मैदान खाली तो, है हाँ, but you catch it. Important बात I know है है पर मुझे चीजों की तरफ या मेरे जो मकसद उससे दूर किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि मोर कॉन्शियस होना अपने हर अमल के ऊपर जो भी अमल हो रहा है जब आप कॉन्शियस होंगे तो ही आप कैच कर सकेंगे exactly. फ्लो में बहते रहेंगे तो कुछ भी आपूटीफुल हम इस टॉपिक को थोड़ा सा दिस इज़ ब्यूटिफॉल एवरीथिंग लेकिन हम इस बात पे अगर आए कि इस वक्त जो दुनिया में आई डोंट वांट नोट जस्ट अ वेस्टर्न कल्चर बट ओवरऑल पूरी दुनिया का एक काइंड ऑफ अ वन कल्चर होता जा रहा है हर एक, एक ही जैसा फ़ैशन करता, hmm. hmm. करता है एक ही जैसा म्यूज़िक सुनता है एक ही जैसी एक्टिविटीज़ करता है एक ही चीज़ को अच्छा समझता है और अगर हम अपनी उन कोर वैल्यूज़ की बात करें रिलीजस वैल्यूज़ कल्चरल वैल्यूज़ वो आउटडेटेड होती जा रही हैं मैं अगर अरब कंट्रीज़ की बात करूँ तो मैं वहाँ पर भी वही देखता हूँ मैं अगर हम अपने देखें सब कॉन्टिनेंट में तो यहाँ पर भी यही हुँ, है हुँ. इस चीज़ को प्रोटेक्ट करना इस चीज़ के लिए स्टेप्स लेना आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ जस्ट गो ऑन मैं जिम जाता हूँ जिम के अंदर मैं देखता हूँ अगर मैं किसी वेस्टर्न जिम के अंदर जाऊँ तो वहाँ पर भी एक म्यूज़िक एक ही टाइप का चल रहा होता है और हर एक ने हेडफोन्स लगाए हुए होते हैं

कि हमारे इस वक्त इश्यूज़ क्या हैं आज जो सबसे बड़ा इशू पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है और लग रहा है कि इन्फोर्स करके करवाया जा रहा है हुँ. अगर हम उसकी बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है और हमारे माशरे में इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल एल जी बी टी क्यू की बात करते हुँ. हैं दिस इज़ गोइंग ऑन सो मच एवरीवेयर ऑल अराउंड द वर्ल्ड और मैं तो हैरान ही हो गया कि जिस मुल्क में मैं जाता हूँ ओपनली रेनबो फ्लैग्स ओपनली और अगर दो फ्लैग एक कंट्री का लगाए तो बराबर में एक ये लगा है तो मुझे कभी कभी यह एहसास होता है ये कौन सी पावर है जो ये सारे काम करवा रही है हाँ। तो वो अवेयरनेस क्या हम लोगों में है हमारे माशरे में है या अभी बिल्कुल भी नहीं है कि क्या हमें कहाँ लीड किया जा रहा है अल्लाह अकबर हम शर्मा शर्मी में ना बहुत सारी आ, ऐसी चीजों का शिकार हो चुके हैं हमने इस टॉपिक को छेड़ा ही नहीं हाथ ही नहीं लगाया पाकिस्तान में आप इनकार करें आप बेशक इसके ऊपर बात ना करें लेकिन ये पाकिस्तान में भी है आ, वेस्ट में तो आपको अच्छी सेल चाहिए तो आप इस मंथ का इंतज़ार करेंगे कि इस मंथ में बहुत अच्छी सेल लगती है आपको आ, जैसे इवन वीज़ा इस कम्युनिटी के लिए वीज़ा भी फ्लेक्सिबल कर दिया गया है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं और जो मुस्लिम फ़ैमिलीज़ हैं वो इस बारे में एक टेबल पर बात करने को आज तक मुनासिब नहीं समझती और ऐसा नहीं है कि बात नहीं की जा रही तो हमारे बच्चों में या बड़ों में ये खौफ है कि जिस बारे में हम बात नहीं कर रहे उस रास्ते जाना नहीं है वो उस रास्ते पे चल रहे हैं क्योंकि अलगार बहुत सारी तरफ़ से है और पाकिस्तान में भी आ, जैसे बहुत सारे पोर्टल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर इसकी प्रोपिगेशन की जाती है जैसे नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स का कोई भी सीजन ऐसा नहीं है जिसमें इसकी प्रोपिगेशन ना की जाए बच्चों के कार्टून्स उसके अंदर इसकी प्रोपिगेशन अब जैसे पेरेंट क्या दिखाएंगे दो मर्द एक गोरा है और एक काला है तो अब वो उन्हें पेरेंट कह रहा है अगर तो बच्चे के जहन में मैसेज चला गया पेरेंट कुड बी लाइक टू मैन हाउ दे आर शोइंग इवन बच्चों का एक कार्टून है उसमें शॉपिंग के लिए वो एक कैरेक्टर जाता है और फिर उस वो कैरेक्टर जो है वो मुजक्कर है और वो सारी जो है वो लड़कियों वाली चीजें तो उससे कहते इट्स फाइन इफ यू लाइक इट यू नो तो बच्चा देख रहा है तो इस तरह की चीज़ें हमारे इस माशरे में आ, पाकिस्तान में आ रही हैं मौजूद हैं और हमारे बच्चे उसे देख रहे हैं और उसके लिए कोई सदबाप नहीं है कोई सदबाव नहीं है इसी तरह आ, मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूंगी इलाहा का दीन से दूरी का जैसे ही बच्चा दीन से दूरी की बात करे चुप करो डिस्कस ना करना हल नहीं है ना आप अगर उस बच्चे के साथ बात नहीं कर रहे तो कभी भी वो चीज़ वो नहीं हो सकेगी अब उसे रोक नहीं बड़े अच्छे वक्त थे जब हम लोग कहते थे म्यूज़िक पे बात करनी यू नो you know? अब तो वो ज़माना है जहाँ हम हिजाब म्यूज़िक कोई बात ही नहीं रही ना अब तो हम बिल्कुल तौहीद पर आ गए कि बच्चा जो है ना वो ये कहे कि हाँ इस्लाम होना चाहिए बच तो जाए कम से कम तौहीद तो तो पे तो हाँ, जाए तोहहीद पर ही तो रहे कम से कम शादी तो कर ले एग्जैक्टली एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर्स इतने सारे इतने नहीं इस इशू पे बिल्कुल बात नहीं की जाती ना अलाउ किया जाता है कि बात की जाए ना मर्दाना मजालस में और महाफिल में इसके बारे में किसी तरह की तमबीह की जाती है तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे माशरे को बहुत अवेयरनेस मैं आपसे कह रही हूँ ना पहली चीज़ ये कि हमें हमें पता तो हो कि क्या exactly. हमें दीमक की तरह काट रही है चीज़ या हमारा कैंसर क्या है जो एक बहुत बुरी तरीके से हमारे पूरे जिसम को अपने True. उसमें जग हमें पता ही नहीं होगा आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी तो उसके बाद कहाँ से हम लोग जब तक तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो उसका सोलूशन कैसे निकालेंगे गया। गया। अगर हम ये देखें कि एक कोविड का वायरस चलना हुँ। शुरू हुआ दुनिया से हमें इंतज़ार हम पे तो आना नहीं है ये तो वहाँ और वहाँ है अगर आप तैयार नहीं होंगे तो एक वक्त आके वो आप पे हमला करेगा आज अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये भी एक वायरस जो दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल फैल रहा है अगर हम आँखें बंद बंद कर लेंगे और हुँ, सोचेंगे कि हमें क्या ज़रूरत है इसकी हुँ, हुँ. हमें तो अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी बताना पड़ेगा कि अगर वो अटैक हो तो हाउ टू डिफेंड इट बिल्कुल तो ये अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल लोग कहते हैं कि जी मंबर इज़ नॉट एन ऑप्शन क्योंकि मेम्बर तो है ही सिर्फ दूसरी बातें करने के लिए फिर कौन से ऑप्शन हैं कहाँ पर जाके हमको ये काम करना चाहिए कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए कम्युनिटी हॉल्स में जाके अलग से डिस्कशन होने चाहिए स्कूलों में जाके सेशंस देने चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में जाके हाउ शुड वी डू हाउ अबाउट द पेरेंट्स? अच्छा पहले तो ये कि हर किसी को अपने आप से स्टार्ट करना है right. सब हाथ में फ़ोन है सबका स्क्रीन टाइम दिन में छः से आठ घंटे होगा एवरेज वेरी नाइस nice, yes. हाँ. यस पहले तो अपने आप को लिटरेट बनाए उस बारे हाँ. में Exactly. जब बच्चा सवाल करे हमारा ब्राउजर तो क्लीन होना। वो क्लीन होना वो है है या नहीं है? Exactly. किसी और को क्या क्योंकि बार? आपको so आपका true. ब्राउजर आ, अभी जो है ना आपकी पहचान आपके ब्राउजर से so कि आप क्या देख रहे हैं आप कहाँ अपना टाइम इन्वेस्ट कर hmm. रहे हैं तो अगर वहाँ पर सबसे पहले वह, वहाँ से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो उसके बाद दूसरा स्टेप है कि आप फिजिकली कहाँ जा सकते हैं आप किसी और से इस टॉपिक पर इंटरेक्ट करें आपके जहन में जो क्वेश्चन है आप उसका आंसर लें आप किसी एक ऐसी सोशल गैदरिंग या उसका हिस्सा बने hmm. या फिर कुछ ऑर्गेनाइज करें जो भी करें लेकिन जो चीज़ हमारी इस वक्त बुनियादी तौर पर हमें काट रही है ना अंदर से वो हमारा स्क्रीन टाइम है वो प्रोडक्टिव नहीं है hmm. हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो हमें ज़्यादा ख़राब कर रहा है अगर उसको हमारा ब्राउज़र क्लीन हो जाएगा उसमें हम लोग सही चीज़ें देखना शुरू करेंगे ऑबियस ही बात है कुछ चीज़ें हैं जिनको हमारे आ, इस जोग्राफ़िकल एरिया में इंडिया पाकिस्तान में डाला जाता है आप अगर एक नई आईडी बनाएँ तो आपको समझ आ जाएगी कि आपके पास फर्स्ट हैंड क्या मटेरियल अवेलेबल होगा वो कहाँ का है वो किस तरह का है ना उसमें कहीं आपको कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं मिलेगी वो आपको करना पड़ता है तो अगर आप वो कर रहे हैं आपका सर्च इंजन सही है क्लीन है या प्रोडक्टिव है मैं नहीं कहती कि कोई अपने आप को एंटरटेन ना करें कोई दूसरी एक्टिविटी ना करें इस तरीके से तो बहुत सारी हाँ बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन आप मिसाल के तौर पर आप एल को देख कर आह छोड़ दो या पता नहीं अच्छा ये अच्छा है ये है कौन यू नो you know, इसने ये क्यों कहा आपने देखा है कॉन्ट्रोवर्सीज हमेशा बहुत ज़्यादा उसको रीच मिलती है बिल्कुल मिलती है है ना कॉन्ट्रोवर्सी इट्स को हुँ. लेकिन उस कॉन्ट्रोवर्सी के सोल्यूशन या उसके हल की तरफ कोई नहीं, नहीं होता कोई नहीं जाता ना तो आप उधर जाए ना हुँ. फिर उस वहाँ आपको सही हुँ. वो एक बैलेंस ओपिनियन मिलेगा हुँ. तो पहले तो ये हुँ. चीज़ है और आफ्टर गेटिंग द अवेयरनेस और अ प्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम ऑब्वियस सी बात है फिर उसके बाद ये कि आप फैमिली में किस तरह से कर सकते हैं इट डिपेंड्स आपका रोल क्या है आप पेरेंट हैं आप सिबलिंग हैं आप कज़न हैं आप क्या हैं यू नो आपके पास लीडरशिप है या आप किसी शेडो में आ रहे हैं इट hmm. डिपेंड्स तो उसके अंदर रहते हुए मैं और आप पेरेंट हैं सी बात है मैं बार 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 माँ से एक बात करती हूँ वो ये है कि ये जो गूगल है ना इसको अलैहिस्सलाम बनाएं इससे ना अच्छी चीज़ें सर्च hmm. करें हमारा बच्चा जो है ना वो रीज़निंग मांगता है मुझे ये आकर जब बताती है ना माए मेरे बच्चे ने इतना अच्छा सवाल किया मैं बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होती मैं कहती हूँ हमने जवाब क्या दिया जवाब है लिया बात तो कि उसके अच्छे सवाल पे क्लैप करके है, सवाल किया उसने। हा, हा। और पानी डाल देते है ना वो जो उसकी प्रोग्रेस है ना डेवेलपमेंट उसे रोक देते हैं तो आप गूगल करें ना आप देखें ना आप सर्च करें आप किसी से पूछें आपकी फ्रेंड के साथ सारी बातें सारी गॉसिपिंग हो रही है थोड़ा सा ये भी कि बच्चे को क्या जवाब देना है ऑब्वियसली hmm. फिर इट इज़ अ जर्नी इट गोज़ ऑन हमेशा ऐसा तो नहीं है कि एक सवाल किया और फिर खामोशी है तो इस चीज़ को थोड़ा सा अपना आ, गूगल जो है ना उसका इस्तेमाल करें क्योंकि बहुत सारा अच्छा मटीरियल पड़ा हुआ है hmm. और अगर आप उसकी रीच देखें तो वो बहुत थोड़ी अच्छे मटेरियल की रीच जो है ना अच्छा कंटेंट उसकी हमेशा बहुत कम होती है और जो चीज़ जितनी एग्रेसिव है या जितनी दूसरी तरफ है उसकी ज़्यादा होती है तो आप अपनी रीच को थोड़ा सा थोड़ा बेहतर करें थोड़ा आंसर्स देखें थोड़ी अपनी नॉलेज में इजाफा करें थोड़ा अपना जो क्रिटिकल एनालिसिस uh, है उसको बच्चे की तरफ से फेस करने से पहले खुद ही डेवलप करें कि मुझे ये जवाब आ सकता है तो मैं ये जवाब दूँ यू नो माएँ जो है ना वो नाक की सीट में चलती हैं बस ये है तो है तजियाती hmm. है नहीं है, exactly. है क्रिटिसिज्म <coughs> right. को ले, लेते नहीं है पेरेंट्स hmm. क्योंकि उन्होंने खुद अपने हमने नहीं लिया था हमने अपने पेरेंट्स से ना जो सुना था वो कर लिया हम अच्छे हाँ। बच्चे थे हम अम्मी आंख दिखाती थी बस खत्म बात हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, और अच्छी बात है दे और ये तो उनसे दोस्ती करने का रास्ता है जी। तो जवाब दे देना चाहिए या जवाब ढूंढ लेना हाँ। चाहिए अगर you know, तो जवाब नहीं देंगे तो वो सवाल तो खत्म नहीं होगा वो सवाल कभी ना कभी जो वो पॉप होता रहेगा exactly. फिर उसका जवाब जो उसके जैसा देगा वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा बिल्कुल क्या यही सही जवाब है इसीलिए मैं कहता था ये सही लोग हैं या फिर वो सोचने समझने की सलाहियत <coughs> उसकी मांद पड़ जाएगी जी सवाल जो है ना हदीस है असवाल निसफुल इल्म आधा इल्म सवाल है बिल्कुल हकीकत है और आज के वक्त में जब से ये चैट जीपीटी आ गया है अब ये नहीं कि जवाब क्या आ रहा है रहे हैं। अब ये कि आप सवाल क्या पूछ रहे हैं exactly. <coughs> और कैसे पूछ रहे हैं तो सवाल का भी एक तरीका है तो इस वक्त आपको ये लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये इश्यूज ऑलरेडी आ चुके हैं या आने वाले हैं आ चुके हैं या आ चुके हैं आ चुके हैं तो इसके ऊपर कोई काम हो रहा है या कम्प्लीटली डिनाइल है डिनाइल है वो कौन सा जानवर होते जो अंदर सर डाल देता है जब तूफान आते देखते हैं शतर मुर्ग जी आ, पाकिस्तान ऑस्ट्रिच हम वही हमारा वही हाल है कि नहीं इस बारे में बात नहीं डिनाइल 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 शर्मा शर्मी ओके okay. कुरान ने बात, <coughs> कुरान ने बात आयात की है कुरान में सौ आयत हैं जी हाँ जी हाँ सौ आयत हैं सोचें कुरान ने बात की है मुसलमान बात नहीं करता जानना भी नहीं चाहता और पता चल जाए तो उस चीज़ को डील कैसे करना है वो तो चलें छोड़ दें स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में पेरेंट्स की इल्मी की वजह से पेरेंट्स की इल्मी की वजह से बहुत सारी जगहों पे ये केस स्पॉयल हुआ है और ज़्यादा ख़राब हो गया है और बच्चों को ले गए हैं काउंसिल वाले फॉस्टर पेरेंट्स को दे दिया है सिर्फ इसलिए कि पेरेंट्स को डील करने नहीं आए जी ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको लगता है कि हमारी जो मजालस हैं जो आप मेंबर पे बैठ के बात करती हैं वंस अगेन मैं यही कहूँगा कि ये हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है लोगों में इल्म ट्रांसफ़र करने का और लोग अगर इससे नहीं करेंगे तो किताबें तो पढ़ने की माशा वैसे आदत नहीं है मोबाइल फ़ोन के ज़रिए डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर ख़ुद रिसर्च करें अपने ब्राउज़र को सही करें और वहाँ जाके राइट चीज़ की सर्च करके और वो इल्म हासिल करें जो आप कम से कम जवाब देने के काबिल हों तो ही आप तरबियत कर सकेंगे अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ऑलरेडी आ चुका है ये क्योंकि ये सिचुएशन सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है मिड ईस्ट में भी है मुस्लिम कंट्रीज़ में भी है नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में भी है तो इस चीज़ को हेड ऑन जाके फाइट करना बड़ा मुश्किल काम लगता है बज़ाहिर आपको क्या लगता है कौन से स्टेप्स लें कि हमारी रिलीजस वैल्यूज़ कल्चरल वैल्यूज ये भी कायम रह जाए hmm. और जिस मकसद को हम लेके चल रहे हैं वो भी कायम रह जाए और साथ साथ मॉडर्नाइजेशन होने पे भी हम ये ना कहें कि हम बिल्कुल ही स्टोन एज के ये लोग हैं hmm. बिल्कुल लोग हाउ टू हैव अ बैलेंस बिटवीन दिस टू देखिए हम इसको करने के लिए बहुत लंबी चौड़ी चीज नहीं चाहिए गुड कम्युनिकेशन गुड कम्युनिकेशन विद चिली

मुस्लिम माशरा वो आपने फलस्तीन के लिए क्या कर लिया इधर कुछ हो रहा इधर कुछ और उधर कुछ हो है चार जाने अलग अलग है चारों को आपस में एक दूसरे का कुछ नहीं पता हैं चारों बहुत सिंसेअर और कुछ कर रहे हैं वट आर वी लैकिंग टीम वी डोंट हैव गुड कम्युनिकेशन तो हमें अगर इसके लिए या किसी भी चीज के लिए कुछ भी करना है तो अच्छी कम, अच्छी कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इज भी चीज के अंदर exactly. आप सोचें ना रसूल खुदा ने कितनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन रखी अपने लोगों के हर रोज कुरान राम सुना है, एक दिन मिस नहीं किया जो नहीं है उनको जाके सुनाओ यू नो कि मेरा मैसेज पहुंचता रहे पहुंचता रहे वी शुड स्टे कनेक्टेड यू you नो know, ये सब जर्नी सारी डेवलपमेंट सब एक साथ करें हम्म hmm. पत्थर पे भी ड्रॉप पड़ता रहे पड़ता रहे तो कहते हैं कि है। एक दिन उसमें होल hmm. बन जाता है तो मुसलसल करते रहना बोलते रहना exactly. एफर्ट्स करते रहना टाइम विल चेंज कोई आप ऐसा मैसेज देना चाहेंगे यूथ को hmm. आ, या उन देखने वालों को भी कि जिनकी समझ में आए कि आज जो माशरे में राइज की जा रही हैं चीज़ें उनके क्या नुकसान हैं क्यों कहा जा रहा है कि इसकी तरफ मत जाओ क्योंकि बजहिर तो हर बुराई में अट्रैक्शन ही नज़र आती है आ, आ, और अभी कोई ऐसे केसेस शायद कोई दिखाने वाला नहीं है जो बोले कि ये बुराई हो रही है तो इसका इफेक्ट ये है इसलिए हम तुमसे कहते हैं कि इस काम के पीछे मत जाओ तो आप कोई ऐसा एग्जाम्पल अगर कोई शेयर करें जो आपने क्योंकि आपकी ट्रैवलिंग भी रहती है आपका एक्सपीरियंस भी है कि जो आप कहेंगे सी दिस इज़ वॉट दे डेड और ये हुआ इनके साथ और इस तरह होता है तो इसको अवॉइड करो मेरे पास कोई एक्जैक्टली exactly, कोई वाक़ा तो नहीं है लेकिन एक एडवाइस जो मैं अपने बच्चों को भी करती हूँ और ख़ुद को भी याद दिलाती हूँ वो ये कि हम ना जो भी करें कम ज़्यादा अच्छा थोड़ा अच्छा ज़्यादा अच्छा सब मोहब्बत के मारे करें अल्लाह से मोहब्बत करना सीख लें जब हम अल्लाह से मोहब्बत सीख लेते ना तो हमारे अंदर दीन जो है ना वो फिर बहुत ख़ूबसूरती से निकलना शुरू होता है कोई भी इबादत अल्लाह की मोहब्बत के सिवा ना करें अगर हम इस बात को समझ लेंगे कि हम किसी की मोहब्बत में अपने महबूत की मोहब्बत में करें तो फिर आपको बहुत सारी फिर तो जो आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आती हैं वो बहुत ख़ूबसूरत हैं आपके अतमाद में जो इजाफा होता है जो आप ज़िंदगी को पॉजिटिवली देखना शुरू करते हैं और जो आपका अल्लाह के साथ कनेक्शन है उसमें जो डेप्थ आती है वो उसके नतज बहुत खूबसूरत हैं। दिस दस सच ए ब्यूटिफुल मैसेज व्हेन वी टॉक अबाउट द लव आज की साइंस ही बात बताती है जो सबसे हाइस्ट फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो लव की फ्रिक्वेंसीज हैं <coughs> जब आप एंगर में हो कीना हो धोखा देना हो नफ़रत हो इसकी फ्रिक्वेंसीज़ बहुत लो हैं आप हाँ हाँ। बहुत लोअर लेवल पर ही रहते हैं द टाइम यू स्टार्ट टू स्प्रेड लव यू स्टार्ट टू फील एवरीबडी विद द आइज ऑफ लव वो वाली फीलिंग बहुत डिफरेंट होती है exactly. और yeah. ये प्योरिटी आप में जब आना शुरू होगी ज़्यादा से ज़्यादा जब अल्लाह का लव बढ़ा देंगे आप यानी वो मोहब्बत अगर आप अल्लाह के लिए महसूस करना शुरू कर दें तो आपसे नाफ़रमानी नहीं होगी exactly. तो ये इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज है आज के हमारे लिए कि सबसे पहले तो ये अपने आप से सवाल कर लें क्या मुझे वाकई जो मैं कहता हूँ मैं एक काम खुदा की खातिर करता हूँ अल्लाह की खातिर करता हूँ क्या वह वाकई कर रहा हूँ मुझे मोहब्बत है या नहीं है अगर जिससे मोहब्बत होती है तो उसके लिए इंसान बहुत कुछ करने के लिए तैयार होता है इट्स बीन अ वंडरफुल टॉकिंग टू सिस्टर और uh, बहुत अच्छी अच्छी बातें आज हमें सुनने को मिली हमारा पर्पज़ ऑफ़ लाइफ क्लियर होना चाहिए पर्पज़ ऑफ़ लाइफ क्या है जितने भी कलेक्टिव एट्रीब्यूट्स हैं अल्लाह तला के जितनी सिफात हैं उनको अपने अंदर लाने की कोशिश करें जब वो आने लगेंगे तो हम एक पैकेज बन जाएंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ़ आप किस रिलीजन से हैं किस सेक्ट से ताल्लुक़ है लेकिन उस पैकेज को आप बनाना शुरू करें जो दुनिया के हालात इस वक्त चल रहे हैं इन हालात के अंदर अपने आप को या तो वक्त ज़ाया करते हैं छः सात घंटे स्क्रीन टाइम के ऊपर और बेकार का वक्त ज़ाया करते हैं या हम उसी से कुछ हासिल करना शुरू करें एवरी डे की बेसिस पे अगर हम हासिल करना शुरू कर देंगे तो हमारे इल्म में इजाफा होगा और हमारी रीज़निंग इस्ट्रॉग होगी तो जब हमसे सवाल किया जाएगा तो हमें पता होगा कि किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं ये हमारे लिए सही है या गलत है वो हम जवाब भी दे सकते हैं लॉजिक और रीजन के साथ तीसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेच आई पिक इज कम्युनिकेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन एंड टीम बिल्डिंग क्योंकि अगर आप कम्युनिकेट मुसलसल नहीं करेंगे और दिल में बिठा के बैठेंगे तो आपकी बात कोई समझने वाला नहीं है तो बेहतर है आप कोई अच्छी चीज़ जानते हैं तो स्प्रेड करें कम्युनिकेट करें दूसरों को आगाही दें उसकी प्रॉब्लम को रिकगनाइज़ करें उसका हल निकालें और शेयर करें दूसरों के साथ कम्युनिकेट करें एंड देन वंस यू फॉर्म योर लाइक माइंडेड पीपल यू बिल्ड अ गुड टीम और वो सब के सब यही काम कर रहे होंगे एंड वंस अगेन इन द एंड क्लोजिंग वॉज लव ऑफ़ अल्लाह सुबहाना वाली द टाइम वी गेट दिस लव ऑफ अल्लाह सुबहाना वाली you start to look at everyone allah ki creation mm -hmm. allah ki creatures har ek se mohabbat aur pyar ko dekhenge aap se galat hona khatam ho jayega khud ba khud aur aapki zindagi jisum jannat aur us dozakh ki baat karte hain shayad hame isi duniya mein wo jannat milna shuru ho jayegi this is what i learned from you it was Thank such a so pleasure so to have much, you same today. lovely talking to you and uh, i'm so glad ke aapne jaisi baat batayi you are so much conscious and aware about every action you are doing. You want to remain humble. You want to re remain kind. Allah and you want to give time to the people. Yeah. And you catch the moment the whisper hota hai mein. <laughs> So this is also we lot to learn. Inshallah. Thank you very much, you Sister so Zakia. Assalamualaikum. rahmatullah